फॉर्मेट वही जो मैंने बताया हुआ था, सेम एज इट इज लिख लें। अकाउंट पेबल्स, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आप इधर पुट करें। अब देखें इसमें आपको क्या क्या गिवन है। अकाउंट पेबल आपको इस डाटा में गिवन है 40,000, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल भी गिवन है 20,000, लेकिन अक्रूड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो वो आप जीरो कर दें, नील कर दें, ठीक है। तो आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज यानी पार्ट वन आ जाएगा 60,000। क्या आ जाएगा? 60,000, ठीक हो गया। फिर अब आ जाएं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, बॉन्ड्स पेबल, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, ये तीन चार चीजें लिखवाई थी। अब देख लें कि इसमें आपको क्या गिवन है। जो गिवन है वो आप उसकी अमाउंट लिख दें, जो नहीं गिवन वो आप जीरो कर दें। जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो जीरो कर दें। बॉन्ड्स पेबल भी गिवन नहीं है, वो भी जीरो कर दें। मॉर्गेज लोन जो है 20,000, वो गिवन है, वो पुट कर दें। लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल जो है वो गिवन है आपको, ठीक है, 5,000, वो पुट कर दें, ठीक है। तो आप इनको भी टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 25,000। इसको आप नंबर टू कह लें। करंट लाइबिलिटीज नंबर वन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नंबर टू, ठीक है। अब आ जाए स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसमें आप देखें आपको कॉमन स्टॉक गिवन है 1 लाख, पुट करें। प्रेफर्ड स्टॉक गिवन नहीं है, उसको जीरो कर दें। रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस आपको गिवन है 15,000, वो आप पुट कर दें। एड अप करें 1,15,000, तो ये आपका जो है नंबर थ्री आ गया, सही है। तो नंबर वन क्या था? करंट लाइबिलिटीज। नंबर टू क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नंबर थ्री क्या है? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये तीनों अमाउंटें मैंने इसीलिए साइड पर लिखी हुई है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है। इन तीनों को एड अप करें तो ये भी अमाउंट जो आएगी वो आपकी 2 लाख आएगी। तो टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी 1 + 2 + 3, यानी इन तीनों को आपने एड अप करना है, तो वो भी किसके इक्वल आनी चाहिए? 2 लाख के इक्वल आनी चाहिए। जब आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज साइड का टोटल मैच कर गया तो समझ जाएं कि आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, ठीक है। बस इसमें आप लोगों ने जो ख्याल